हमारे सब साथी बहन किरण बेदी जी, स्वामी अग्निवेद जी, अरविंद जी, मनीष जी और जिन्होंने हमें निमंत्रित किया वो हमारे भाई अखिल गोगई और उनके सब साथी, मैं आपको भाषण कुछ देंगे नहीं क्योंकि मैं जो बोलना है आप सबने सुना है। अभी मुझे बोलने के लिए कोई खास बात नहीं रही, लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दिल्ली में 5 तारीख को जो जंतर मंतर पर अनशन हुआ और आसाम के सब भाई बहनों ने उसको जो साथ दिया, इसके लिए मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूं। और आगे के लिए उम्मीद रखता हूं, आशा रखता हूं, ये ऐसे ही साथ हमें निभाना है आगे तक। जब तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बनता और हर एक नागरिक को सही आजादी नहीं मिलती, तब तक हमें ये संबंध जारी रखना है पूरे देश के लोगों ने। एक तो हमें अनुभव मिले, हम इतिहास में पढ़ते थे कि शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव राजगुरु जैसे लाखों शहीदों ने उस टाइम पर जो नारे दिए थे, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, और वो नारे जब लगाए थे तो उस टाइम पर वो गोरे अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी। 5 तारीख को जंतर मंतर पर जो नारे लगाए गए उसके कारण हमारे काले अंग्रेजों की नींद उड़ गई, हमारे काले अंग्रेजों की नींद उड़ गई थी। तो हम आगे के लिए इस बात को सोचना है कि आपके क्षमा चाहता हूं, तो हमें ये आजादी की दूसरी लड़ाई अभी शुरुआत हो गई है। जन लोकपाल बिल के माध्यम से अभी जो ड्राफ्टिंग कमेटी आई है और वो ड्राफ्ट बनने जा रहा है, ये आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत हो गई है। अभी ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है आपने हमने इस देश की आजादी के लिए, लंबी लड़ाई लड़नी है। लोकपाल बिल आ गया तो बड़े पैमाने पर करप्शन को ब्रेक लगेगा, लेकिन साथ साथ हमें इस बात को भी सोचना है कि लोकपाल के बाद ही हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करने के लिए कई बातें करनी होगी, जैसे इलेक्शन सिस्टम में चेंज करना, राइट टू रिजेक्ट, 10 उम्मीदवार खड़े हैं, 10 उम्मीदवार, और मतदाता कहता है ये 10 लोग पूरे करप्टेड हैं, मैं वोटिंग किसको करना, इसमें एक भी अच्छा नहीं है। तो हमारी मांग है ये 10 उम्मीदवार को जो निशान दिया है इलेक्शन के लिए, 11वां चिन्ह डाल दिए, लास्ट चिन्ह नापसंदी, 11वां चिन्ह नापसंदी, तो वोटर देखेगा एक भी पसंद नहीं है, नापसंदी पर मोहर लगाएगा और 10 उम्मीदवार से नापसंदी पर वोटिंग ज्यादा हो गया, इलेक्शन रद्द, फिर इलेक्शन ले लो। 6-6 करोड़ पैसा कहां तक बंटवारे करते हैं, 6-6, 7-7 करोड़, 10-10 करोड़ रुपया, एक इलेक्शन में 10 करोड़ रुपया पानी में चला गया तो दिमाग जगह पर आ जाएगा इलेक्शन लड़ने वालों का।
वो काम हमें करना है आगे के लिए, वो काम करना है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो गई अभी। किसको मिले आजादी, क्या मिले आजादी? अरे 1857 से लेकर 1947 तक लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी की इस देश के लिए, और अंग्रेजों को इस देश से निकाल दिया। अंग्रेज इस देश के चला गया, क्या भ्रष्टाचार कम हो गया, गुंडागर्दी कम हो गई, लूट कम हो गई, दहशतवाद कम हो गया? तो क्या हुआ इस देश में? सिर्फ गोरे चले गए और काले आ गए, फर्क इतना हो गया। सही आजादी नहीं मिली। वो सही आजादी के दूसरी लड़ाई लड़नी है अभी, उसकी शुरुआत हो गई अभी। जैसे आसाम के कई समस्या यहाँ आई है, जैसे इंडस्ट्री में अमेर स्वामी जी ने कहा था 1 करोड़ रुपए का करप्शन, उसकी जांच करना, ऐसे कई प्रश्न है, 1000 करोड़। तो हम लोग अभी पूरे देश में घूम रहे हैं, आज आसाम में आ गया, अभी फिर से निमंत्रण किया है, लेकिन एक टूर हम पूरे देश में लगाना। अभी आसाम होने के बाद हम गुजरात में जा रहे, गुजरात के बाद ओडिशा में जा रहे, ओडिशा के बाद कर्नाटक में जा रहे, देश के हर राज्यों में जाएंगे। और आप लोग जैसे खड़े हो गए हैं, ऐसे हर देश हर राज्यों में आप जैसे नवयुवकों को खड़ा करना है, नवयुवक। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि यहां मैं देखा कई युवकों ने बोर्ड लगाए आई एम अन्ना, तो उनको धन्यवाद देता हूं। ऐसे युवकों के लिए धन्यवाद देता हूं, क्यों? युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है, युवा शक्ति ये मेरा प्रेरणा स्थान है, आशा स्थान है। युवा शक्ति ही इस देश को बदल सकती है, इस देश को बदलने की शक्ति युवा शक्ति में है। अरे वियतनाम बनाया वो युवकों ने बनाया, जापान को अंगार से खड़ा किया युवकों का योगदान है, इंडोनेशिया की क्रांति किया था वो युवकों ने की है। युवा शक्ति अगर जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं है। मैं एक युवक था 26 साल का, 26 ईयर, और मैं सोचते बैठा, एक युवक 26 साल का सोचते बैठा, अरे क्या चक्कर है दुनिया का, ये हर एक आदमी दौड़ रहा। जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 कहता, हाथ में कुछ नहीं। तो 26 साल की उम्र में मैं सोचते बैठा, एक विवेकानंद की किताब हाथ में आई, स्वामी विवेकानंद, पढ़ना शुरू कर दिया, जीवन का धागा हाथ में आ गया, करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कोई बैंक बैलेंस नहीं, लेकिन आनंद इतना है, लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव करता है मेरे जीवन में आनंद। मेरा कहने का उद्देश्य है कि आप जो युवक है उनको मेरा संदेश नहीं कि मैं शादी नहीं किया, आप भी मत करो। अभी मैं 3 लाख युवकों के साथ संपर्क किया, युवकों को कह रहा है शादी करो, एक दूसरे बच्चों को जन्म दे दो, कार्यकर्ता बनाओ, लेकिन छोटा परिवार करते हैं ना, वो बड़ा परिवार करो, बड़ा परिवार। अभी देखो मैं शादी किया नहीं, मेरा परिवार छोटा नहीं, ये सब मेरा परिवार बन गया।
एक छोटे परिवार में मैं क्या करना था, दो बच्चे को जन्म देना था, ग्रेजुएट करना था। आज तो हजारों बच्चे ग्रेजुएट बन जाएंगे, सब मेरे हैं, ऐसे मैं मानता हूं। तो आप युवकों ने मेरी नकल नहीं करना, परिवार करना। छोटा परिवार करते ना, बड़ा करना। जैसे हमारे भाई निखिल गोगाई जो काम करते हैं, बड़ा परिवार, ऐसे हम बड़ा परिवार करना। ये बड़े परिवार में आनंद होता है। तो मेरी विनती है सब युवकों के लिए कि अन्ना हजारे की नकल नहीं करना। अभी ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरुआत हो गई है, इस लड़ाई को आगे आगे बढ़ाने के लिए सब युवकों ने इसमें शामिल होते हुए ये देश के कई प्रश्न हैं वो छुड़ाने हैं हमें। इस देश के जैसे आसाम के कई प्रश्न यहाँ आए हैं, ऐसे अभी पूरे देश में घूमेंगे और पूरे देश के एक प्रश्न, जैसे गोगोई भाई ने बताया हमें राइट टू रिजेक्ट के बारे में, मैं जो बोला, हमें ये पता नहीं चला आज़ादी के 62 साल में कि जनता इस देश की मालिक है। दूसरी लड़ाई में हमें वो काम करना है कि जनता इस देश की मालिक है। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाया, प्रजासत्ताक दिन, उस दिन प्रजा इस देश की मालिक हो गई। प्रजा इस देश की मालिक है। प्रतिनिधिक लोकशाही का हम स्वीकार किया और उसके मुताबिक हम अपनी जो तिजोरी है, सरकारी तिजोरी का पैसा जनता का है, उसका प्लानिंग करने के लिए भेजा स्टेट के लिए एमएलए को और सेंट्रल के लिए भेजा एमपी को कि हम मालिक हो गए, तिजोरी हमारी है, आप जाकर हमारे तिजोरी का प्लानिंग करिए। जब हम इनको भेजा है तो हमें ये पता नहीं चला कि इनका दर्जा हमारे से दुय्यम है। वोटर का दर्जा इस देश में सर्वोच्च दर्जा है। क्यों? वो राजा है। आप इलेक्शन टाइम पर देखते ना, इलेक्शन टाइम पर प्रचार करने के लिए आते उम्मीदवार तो क्या कहते हैं, मतदार राजा सेवा करने का मौका दीजिए, राजा बोलते हैं ना सबको। तो राजा है वो, लेकिन हम भूल गए और इसके कारण राजा बन गया गुलाम और गुलाम बन गया राजा। तो देश में हमें वो करना है कि ये जो हर एक मतदार ये राजा है, वो राजा ही रहेगा और जिन्होंने इनको भेजा है वो हमारे सेवक है। आज जो हम देखते हैं, कलेक्टर है, कमिश्नर है, सीईओ है, ये कौन है? गवर्नमेंट, राष्ट्रपति ने इन लोगों को जो चुना है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सनदी अफसरों को सिलेक्शन किया, किस लिए? गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक। सभी अधिकारी जनता के सेवक है। जिनको हम भेजा है चुनकर, ये जनता के सेवक है। मालिक कौन है? जनता। वो मालिक को बनाए गुलाम और गुलाम बन गए मालिक। उसको बदलना है, उसको बदलना है। हम ये बदलने के लिए आगे के लिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है। लेकिन मेरी विनती है आप सबसे, अभी स्वामी जी ने, बहन जी ने कई बातें रखी, अरविंद जी ने बातें रखी, कुछ सुझाव ले लिया और आपने पास कर दिया। ये सुझाव तो पास किया, यहां जो सुझाव पास हो गया क्या गवर्नमेंट मानेगी? गवर्नमेंट ने अगर मानना है तो जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, जेल भरो आंदोलन। आजादी की दूसरी लड़ाई, जेल भरो आंदोलन। कितने लोग जेल में जाने के लिए तैयार है? अरे जेल में जाना भूषण होता है, दूषण नहीं, भूषण। देखो ना, शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु जैसे
लाखों लोग जेल में गए, तो ये भूषण है। मुझे जेल में डाल दिया सरकार ने, क्या है मेरे पास कुछ नहीं है, मंदिर में रहता हूँ, सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बस कोई बैंक बैलेंस नहीं। लेकिन 6 कैबिनेट मिनिस्टर का विकेट लिया, करप्टेड मिनिस्टर घर चले गए, 6 कैबिनेट मिनिस्टर, 400 से ज्यादा करप्टेड ऑफिसर घर में चले गए। आगे के लिए हम सब मिलकर उस काम को आगे बढ़ाना है, हम सब आगे बढ़ाना है। जेल जाना ये भूषण होता है, दूषण नहीं। जब मैं ये सब मिनिस्टर इनको पकड़ता हूं, 2 बार तो मुझे जेल में डाल दिया, क्यों? मिनिस्टर की बदनामी करता तो मुझे इल्जाम लगाया मिनिस्टर ने, मेरी बदनामी किया, बेआबरू किया। तो मैं कोर्ट ने मुझे पूछा, आपने बेआबरू किया मिनिस्टर की, इसलिए आपको 3 महीने की सजा। मैं बोला, अरे बेआबरू उनकी होते हैं जिनको अबरू होते हैं, जिनको अबरू नहीं उनकी बेआबरू कहां से होंगी। तो मैं वो जज को भेजा, भेजो मेरी तैयारी है, लाखों लोगों ने कुर्बानी की देश के लिए, मैं जेल में गया तो क्या बिगड़ गया। तो मैं गया जेल में, 5 दिन के अंदर पूरी जनता खड़ी हो गई, पूरी स्टेट की जनता, और सरकार घबरा गई। भारत सरकार का मैसेज आ गया महाराष्ट्र सरकार को, अन्ना जी को जल्दी छोड़ो, अभी हमें खतरा है। तो जेलर आ गया मेरे पास रात को 10 बजे कि हमें ऐसे एक आदेश हुए कि आपकी सजा माफ हो गई। मैं बोला किसने किया? बोले सरकार ने की। मैं बोला सरकार को नहीं जानता मैं, कौन सरकार है? जिसने मुझे सजा दी उसका मुझे ऑर्डर बताओ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, 3 महीना रहना है मुझे इधर जेल में, बाहर मुझे समय नहीं मिलता, छोटे छोटे बच्चों के लिए मेरे अनुभव के किताब लिखूंगा जेल में, मैं बाहर नहीं जाना। तो 10:30 बजे फिर से सरकार का सरकार को बताया कि अन्ना तो बाहर नहीं निकल रहे, तो सरकार ने जेलर को बताया उनका सब सामान उठाकर गेट के बाहर रख दो। तो जेलर मुझे कहने लगा, मुझे आदेश हो गया सरकार के, आपका सामान उठाकर घेर के बाहर रखना। मैं बोला अरे 10:30 बज गया रात को, आज की रात तो रहने दो, कल सवेरे मैं जाऊंगा। नहीं, बोले वीआईपी गेस्ट में रखने के लिए बताया, इधर नहीं। मैं क्यों बता रहा हूं? जेल ये भूषण होता है, दूषण नहीं। जब मैं जेल से निकल गया, रास्ते पर इतनी भीड़ थी लोगों की, सम्मान करने के लिए, माला पहनने के लिए, इतनी भीड़ थी। तो जेल में जाना ये भूषण है, दूषण नहीं है। और मैं तो एक आशा करता हूं, यहां लिखे पढ़े लड़के हैं, युवा नौकरी के तलाश में हैं, सुशिक्षित बेकार है, नौकरी नहीं है, तो ऐसे युवकों को मेरा संदेश है, अरे बाहर रहकर घर का बोझ बनने से बजाय चलो जेल में, चलो जेल में, सवेरे नाश्ता और 2 टाइम का खाना उधर मिलता है, संभालो, कितना दिन संभालते हैं। तो सरकार का ना दमाने से मुंह खुल जाएगा, वो काम हमें करना है दूसरी लड़ाई में, आजादी की दूसरी लड़ाई में वो काम करना है। मेरी विनती है सब युवकों के लिए, सब युवकों के लिए मेरी विनती है कि बहुत अच्छा आप काम करें, लेकिन चारित्र को संभालना, चारित्र को संभालना। देखो मैं अभी लड़ रहा हूँ, इतना गुंडा के साथ लड़ रहा हूँ, ये तेलगी मामला आपने सुना, तेलगी स्टैम्प पेपर मेरे हाथ में आ गया, मैं गया हाई कोर्ट में, सरकार ने दबा दिया, मैं गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने के बाद 2 महीने के अंदर 200 लोग जेल में गए, 200 लोग जेल में गए,
गुंडा लोग जेल में गए, पुलिस कमिश्नर तक जेल में गए और मुझे लगाए सिक्योरिटी, 6 पुलिस ऑफिसर, एक गाड़ी मेरे में पीछे पीछे हाँ करते। तो मैं सरकार को बता रहे निकालो गाड़ी, एक गाड़ी की मुझे जरूरत नहीं, आपकी गाड़ी मेरा मृत्यु नहीं बचाएगी। गाड़ी से मृत्यु बचता तो राजीव गांधी को क्यों मारा, इंदिरा गांधी को क्यों मारा? अरे मरना है, कहीं पर भी मरना है, मरने से क्या डरना है? तो गवर्नमेंट को मैं लिखा, अरे भगत सिंह ने कहाँ सिक्योरिटी मांगी थी, राजगुरु ने कहाँ सिक्योरिटी मांगी थी, निकाल दो। निकाल दिया सिक्योरिटी, निकाल दिया, मारने वाला कोई आता नहीं। एक मिनिस्टर आ गया, 30 लाख रुपए की सुपारी दी मारने की, 30 लाख रुपया, लेकिन वो मारने वाला बोला अन्ना के साथ वाला है उसको मैं मारूंगा, लेकिन अन्ना को नहीं मारूंगा, वो तो साधु पुरुष है। मुझे युवकों के लिए ये कहना है, युवकों के लिए ये कहना है, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, त्याग और सच्चाई के मार्ग पर चलो, भगवान आपके पीछे खड़ा होता है सर, रक्षा के लिए भगवान आपकी रक्षा करता है। सिर्फ इन बातों को संभालो, इन बातों के लिए संभालो, जीवन में बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं तो बड़े, मुझे जो प्रेरणा मिली जंतर मंतर पर वो युवकों से मिली है। जो युवक वहाँ मैं देख रहा था, हजारों युवक, लाखों युवक वहाँ मैं जब देख रहा था, उससे मुझे प्रेरणा मिलती थी और 2 कदम आगे बढ़ाने की शक्ति, ऊर्जा आज मिल रही है। आज मेरा एज हो गया 73 ईयर, लेकिन आज में मैं ये ऊर्जा जो मिल रही है आप युवकों से, आज में मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में घूमूंगा, पूरे देश में हर राज्य में जाऊंगा, युवकों को जगाएंगा और युवकों का एक संगठन खड़ा करके सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। कोई भी सरकारों ने सिर्फ जेल जाने की तैयारी रखना, बस जेल से नहीं डरना। सवेरे नाश्ता, 2 टाइम का खाना उधर भी है, तैयारी रखना। बस इतनी तैयारी रख दिए ना, तो इस देश की आज़ादी, सही आज़ादी मिलाने में समय नहीं लगेगा। सिर्फ जेल जाने की तैयारी बस। तो इन बातों के लिए सरकार किससे डरती है पता है? अभी तो ये चुनाव के, यहाँ की सरकार आ गई, ये बात छोड़ दो, लेकिन इन्होंने भी ऐसे बेहोश में नहीं रहना। अभी तो इलेक्शन होगा, हमारा कौन क्या कर सकता है, ऐसा नहीं। अरे देश की जनता खड़ी हो गई तो कभी भी बात सत्ता से खींच सकती है जनता। मंत्री सरकार से जनता बहुत बड़ी है, जनता से ऊपर कोई नहीं है, जनता बहुत बड़ी है। देखो ना मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है ना, मंदिर में रहता हूँ। 2 सरकारें चली गई, 2 सरकारें महाराष्ट्र में, 2 सरकारें चली गई, इसके कारण सरकार डरती है। अभी हमें, मैं आज तक महाराष्ट्र में ये शुरुआत किया था, अभी देश, इस देश को हमें खड़ा करना है। मैं अभी बताया था ना 26 साल की उम्र में, उसी टाइम मैं ये दिल में सोचा और वही विचार मेरे कायम है, दिल दिया है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए जान भी देंगे, ये मैंने तैयारी रखी। तो मेरी विनती है युवकों से, सब युवकों ने आगे के लिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई हमें जो लड़नी है, सही आज़ादी पानी है, उसमें जो जो बदलाव लाना है, उसमें सिर्फ जेल में जाने की तैयारी और हम सब संगठित होकर ही लड़ाई लड़नी है। जितना हमारा संगठन बड़ा होगा, किसी भी जेल में जगह नहीं, ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा। फिर अभी हमारे गोगोई भाई ने बताया ना कि जैसे ये बदलाव लाना ग्राम सभा, हमें पता नहीं है,
अरे ग्राम सभा ये विधानसभा और लोकसभा से बहुत ऊंची है। क्यों? ग्राम सभा को किसने बनाया नहीं, संविधान बनाया। क्या कहा संविधान? 18 साल की उम्र हो गई, वोटिंग करने का अधिकार आ गया, ग्राम सभा का मेंबर हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। एक बार मेंबर हो गया, मरने तक मेंबर है। ऐसी ये ग्राम सभा है, स्वयंभू है, सार्वभौम है वो। ये ग्राम सभा ने एमएलए को भेजा, ग्राम सभा ने एमपी को भेजा, इसलिए बन गई है विधानसभा और लोकसभा। तो विधानसभा और लोकसभा की जननी कौन है? ये ग्राम सभा है, इसने जन्म दिया उनको, इसका स्थान बहुत ऊंचा है। ग्राम सभा का स्थान लोकसभा और विधानसभा से बहुत ऊंचा है। आपने पढ़ा जंतर मंतर में हम बैठे थे अनशन के लिए, ज्वाइंट कमेटी बनानी थी, तो भारत सरकार क्या कहने लगी? ज्वाइंट कमेटी में हमारा कहना था आधे लोग सरकार के हो, आधे लोग जनता से ले लो। तो सरकार क्या कहने लगी? बाहर के लोग क्यों लेना, बाहर के लोग, आधे सरकार के आधे जनता से। तो सरकार कहने लगी बाहर के क्यों लेना। जब हम शुरू किया, मैं बोला ये सब केंद्रीय मंत्री को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अरे उनको बाहर का कहते हैं, वो मालिक है ना इस देश के, ये मालिक है, इन मालिकों ने आपको भेजा है और उनको बोलते हैं बाहर के। तब चुप हो गए और स्वीकार किया ड्राफ्टिंग कमेटी। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन सब बातों को हमें सोचना है, ग्राम सभा उसको मजबूत करने हैं। आज याद एक मैं देख रहा हूँ, कई लोगों ने मुझे कहा कि आसाम में बाहर की कंपनियाँ आ रही है और जबरदस्ती से जमीनें छीन रही है। क्या आपके पिता की संपत्ति है जमीन छीनने के लिए? हम लोग कानून बनाया, महाराष्ट्र में कानून बनाया, गांव की कोई भी जमीन लेना है सरकार को तो ग्राम सभा का परमिशन लेना पड़ेगा। ग्राम सभा का जब तक परमिशन नहीं तब तक आप जमीन नहीं ले सकते, कानून बनाया। तो भारत सरकार को ये हम ये राज्य करना होगा कि कैसे कानून बनाओ। हर राज्यों में कोई भी आएगा, यहाँ जो मानवता और नेचर का जो शोषण हो रहा है, भगवान ने हमें इतनी देन दी आसाम के लिए, ग्रीनरी दी है, पानी दिया है, जमीन दी है, और उसको बाहर के लोग आकर बर्बाद करेंगे। इसके लिए पूरी देश में आंदोलन करना होगा, पूरी देश में, और वो तैयारी हमें रखनी है। सरकार को कोई भी जमीन लेना है तो ग्राम सभा का परमिशन ले लो, ग्राम सभा ये सर्वोच्च व्यवस्था है। ग्राम सभा ने आपको जन्म दिया, आपने ग्राम सभा को नहीं, उसका स्थान बहुत ऊंचा है ग्राम सभा। जैसे लोकसभा असेंबली है, दिल्ली में असेंबली है लोकसभा, राज्य में विधानसभा है असेंबली, ऐसे गांव में है ग्राम सभा, विलेज असेंबली, ग्राम सभा, विलेज संसद, ग्राम सभा। और विलेज संसद ये राज्य संसद और लोक संसद संसद से भी बहुत ऊंची है। ये लोगों को समझाना है कि लोकसभा संसद और गांव ग्राम राज्यसभा संसद जो विधानसभा, इन संसदों से ग्राम सभा ये जो गांव की संसद है ये दोनों से बहुत ऊंची है। क्यों? इसने जन्म दिया उनको। इन बातों के लिए आगे बढ़ना है हम, तो मेरी विनती है आप सब युवकों के लिए और सभी मेरे भाई बहन हैं उन सब के लिए मेरी विनती है, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई अभी आगे बढ़ना है, अभी बढ़ना है। और इसमें ये दो तीन बातें ध्यान रखना है, जेल में जाना पड़े तो